हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है माद अहमद और आप देख रहे हैं एडुकेशनल वर्ल्ड। फिर से आपको खुश आमदीद। और आज बनाने सीखने वाले हम ये इस तरह के स्लाइडर्स के दो स्लाइडर्स बनाएंगे जिसमें हम टी शर्ट्स ऐड करेंगे और दूसरा स्लाइडर बनाएंगे जिसमें हम शूज़ ऐड करेंगे। और तीसरे नंबर में हम स्लाइडर नहीं कोई एक सिंपल सी इमेज ऐड कर रहे हैं जिसमें वो चाहिए इमेज चार वोचिस है। तो ये किस तरह बनाएंगे टेबल्स के अंदर इस बार स्लाइडर्स बनाना सीख रहे हैं, जिसके टेबल के बाहर मैंने पिछली बार वीडियो में सिखाया था उसका आई आइकन ऊपर बटन में आ चुका होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने पर हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना नोटपैड खोल लिया। नोटपैड के ऊपर मैंने तैयार करके रखा हुआ है HTML का टेबल। तो HTML का टैग देके मैंने सब कुछ उसके अंदर तैयार करके रखा हुआ है। तो इस बार हम TR के अंदर हम देंगे टेबल हेडिंग। सबसे पहले हमने TR के अंदर दिया TR के अंदर दिया TH। TH किस तरह दिया हम अभी इसको दोबारा से बना के दिखा देते हैं आपको। तो ये जो TH है ये क्या काम करेगा, तो TH देंगे हम सबसे पहले TH सॉरी TR देंगे। TR होता है टेबल रो, जो टेबल के टेबल रोस की काम करते हैं। इसके अंदर देर आर इसके अंदर सिक्स बट सॉरी 12 कॉलम्स होते हैं इसके अंदर। और हर एक कॉलम्स के अंदर हम डिवाइड करने वाले हैं। तो हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर देंगे TH। और ये देंगे जिसका मीन्स होता है टेबल हेडिंग। TH की जो सिंपली वर्डिंग के ऊपर काम करती है। और तो हम TH के अंदर देंगे एक और टैग टेबल हेडिंग वन। हेडिंग वन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हेडिंग वन बिगेस्ट हेडिंग होती है। और हेडिंग वन के अंदर हम लिख देंगे सबसे पहला टैग है हमारा टी शर्ट्स दे दिए हमने कंट्रोल एस। और अब हम अपने इसमें आएंगे और रिफ्रेश करेंगे एंड लुक एट दिस। सबसे पहले हमारा लिखा हुआ गया टी शर्ट एंड दूसरे नंबर पर नीचे कॉलम बना हुआ गया क्योंकि हमने दूसरे नंबर पर भी एक TR ऐड कर चुके हैं। तो TD का मैं मतलब बता दूँ, TD का मतलब होता है टेबल डेटा जिसके अंदर हम वीडियोस इमेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट फाइल्स ऐड कर सकते हैं। और TH के अंदर हम डॉक्यूमेंट फाइल्स लेटर हैंड फाइल्स एंड वर्डिंग अल्फाबेट्स टाइप्स को हम सेव कर सकते हैं, मतलब कि उनके अंदर लिख सकते हैं। और इसके अंदर ये मर्क्यू दे सकते हैं टेबल टेबल डेटा के अंदर। तो अब हम टेबल डेटा के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। मर्क्यू का टेक देके रखा हुआ है। मर्क्यू का टेक किस तरह देते हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो ऊपर आ गया ना होगा तो उसमें लगे देख सकते हैं। वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए मैं शॉर्टलिस्ट को तैयार करके रख लिया मैंने पहले से। तो अब हम इसके अंदर देंगे इमेज IG IMG इमेज की शॉर्ट फॉर्म SRC फिर इसके अंदर 1.jpg। मैं JPG यूँ लिख रहा हूँ क्योंकि ना मैंने अपने फोल्डर जिस फोल्डर के अंदर मैंने इसको सेव करके रखा हुआ है उस फोल्डर के अंदर ये रहा मेरा, ये आ गया मेरा डॉक फाइल गूगल फाइल। तो गूगल फाइल के अंदर मैंने सेव करके रखा हुआ है जिसके अंदर मैं सारी की सारी इमेजेस सेट करके रखी हुई हैं। तो इन्हीं इमेजेस के मैंने नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 12 तक है ये नाम। तो मैं आप इसके अंदर दे देता हूँ 1.jpg, मतलब कि याली तस्वीर ऐड होगी। तो याली तस्वीर ऐड होगी, इसकी हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई कर देंगे ताकि हम सबकी स्पेसिफाई कर सके हाइट एंड विड्थ। एक कॉमन हाइट एंड विड्थ दे देंगे ताकि सब अपनी अपनी हाइट एंड विड्थ के साथ ना आए। तो आप इसके अंदर विड्थ दे देंगे 300 एंड देन क्लोज करेंगे कंट्रोल एस करेंगे क्योंकि टेबल के अंदर है पहले से ही, तो हमें इसको अलाइन सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस करेंगे, इमेज आ गई है लेकिन इमेज JPG सॉरी ये PNG वाली है। तो ये मैंने गड़बड़ कर दी। तो मैं अपने नोटपैड में जाऊंगा, JPG की जगह यहाँ पे मेरे को लिखना होगा PNG कंट्रोल एस एंड देन अपने गूगल फाइल में जाएंगे एंड देन लुक एट दिस, ये फाइल ऐड हो गई है। और ये इतनी स्पीड से क्यों जा रही है क्योंकि मर्क्यू के अंदर हमने 30 देकर रखा हुआ है। तो मर्क्यू के अंदर हम 10 दे देते हैं स्क्रॉल अमाउंट के अंदर कंट्रोल एस कर दिया है। रिफ्रेश करेंगे जाके एंड देन लुक एट दिस, ये इमेज ऐड हो चुकी है। टी शर्ट्स ऊपर लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे इमेज ऐड हुई भी है। तो अब हम दूसरी इमेज भी ऐड कर लेंगे। तो इसी इमेज का टेक कॉपी करते हुए कंट्रोल सी और इसी मर्क्यू के अंदर ऐड करना है। तो आप हमारी वीडियोस को सही तरीके से देखें, कंट्रोल वी। मेरे पास 6 फाइल्स पड़ी हुई हैं तो मैं यहाँ पे 2 दे दूंगा, इसको 3 दे दूंगा और इसको 4 एंड इसको 5. अब मेरे को सबके फॉर्मेटिंग चेंज करनी है क्योंकि फॉर्मेटिंग मैं तो मायने रखती है अपने आप में ही एक तजुर्बा रखती है। तो यहाँ पे 2 की मैंने फॉर्मेटिंग किस तरह मालूम करनी है, तो सबसे पहले ब्राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में और उस टाइप फाइल के अंदर जाना है। JPG यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सिंपली .jpg, तो यही फाइल यही चाहिए मुझे, यही नाम चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करूँगा .jpg, यहाँ पे मैं लिख दूंगा .2.jpg एंड देन डबल प्रोटेक्शन लगाएंगे हमने क्योंकि डबल प्रोटेक्शन कर गई थी हमसे। और इसका भी JPG होगा, अगर नहीं हुआ तो ये एरर दे देगा।
हम देख लेंगे बाद में। जेपीजी, जेपीजी कंट्रोल एस एंड देन अपनी गूगल फाइल में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड देन लुक एट दिस, 1, 2, 3 में मिस्टेक कर रहा है क्योंकि 3 की फॉर्मेट जेपीजी नहीं होगी, तो यहाँ पे हम इसकी 3 की फॉर्मेट दे देते हैं पीएनजी, पीएनजी वो खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1 आ गई, 2 आ गई एंड देन इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर देंगे ताकि ये स्पीड मूव वेल हो जाए, स्पीड में चली जाए ताकि हम इजीली आपको दिखा सकें। तो इसकी स्पीड बढ़ चुकी है, 1 हो गई, ये 2 आ गई एंड देन 3 आ गई एंड देन 4 आ गई एंड देन 5 आ गई। हमने 5 ही ऐड करके रखी थी तो हमने इसको सिंपली रख लिया। अब हमने TD के अंदर दिया, TD के टेक लगाया यहाँ पे, हमने TR का टेक लगाया, फिर TD का टेक लगाया यहाँ पे, TR के अंदर TD का टेक लगाया, फिर TD के अंदर टेबल डेटा के अंदर जिससे हमने बताया इमेजेस एंड वीडियो सेट कर सकते हैं, तो उसी के अंदर हमने मर्क्यू का टेक लगाया ताकि हम इसको स्क्रोल कर पाए, स्लाइडर बना सकें एक अच्छा सा। तो फिर उसके बाद हमने इमेजेस सेट कर दी कि इमेज स्लाइडर के अंदर ये इमेजेस आ जाए, फिर हमने मर्क्यू को टेक क्लोज करा, फिर यहाँ पर एक मिस्टेक करी हमने, TD और TR को क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पर हम उसको क्लोज कर देते हैं। अगर उसको क्लोज नहीं करते इसके नीचे TH भी दूंगा तो वो इसी के साथ ही साथ आ जाएगा, तो हमें नहीं चाहता कि वो इसके साथ आए, तो यहाँ पे मैंने इसको सिंपली क्लोज करना है, TR को क्लोज करना है, फिर TR के अंदर TD को क्लोज करना है, TD क्लोज कर दिया है एंड TR भी क्लोज कर दिया, तो इसको रिफ्रेश कर देंगे ताकि ये एक बार उस कॉमनली उसके अंदर फिक्स हो जाए। तो हम इसके अंदर अब देंगे TD के TR एक और देंगे हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि सिंपली एक और TR यहाँ से लेके यहाँ नीचे वाले TR तक कॉपी कर लेंगे इसको और देखें यहाँ पे इंटर देके पेस्ट कर देंगे ताकि ये वाले TR एक और तैयार हो जाए। लेकिन अब इमेज की यहाँ पे सेटिंग्स चेंज करनी है तो यहाँ पे इमेज दे देंगे हमने, अब शूज़ का देना है तो शूज़ का भी यहाँ से टैग ऐड कर लेते हैं ताकि इस वाले TR के अंदर हम शूज़ ऐड कर सकें। इंटर देके कंट्रोल V और यहाँ पर टी शर्ट्स लिखा था हमने ऊपर वाले में, तो अब यहाँ पर दे देंगे हम, हमने कॉपी किया है ऊपर से कट नहीं किया तो ऊपर रहेगा ये, नीचे हम दूसरा बना रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर शूज़ आपका टाइम बचा इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ और स्पेलिंग मिस्टेक तो भाई को माफ़ करना। तो यहाँ पर हमने शूज़ लिख दिया तो यहाँ पे बिल्कुल वैसी आ गई। तो अब यहाँ पर हम तस्वीरें चेंज करेंगे, तस्वीरों की लोकेशन जो हमने दी है उसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, और फोल्डर के अंदर मैंने 6 तक दी हुई थी और मैंने वहाँ पे 5 तक दी है, तो सबसे पहले मैं एक और यहाँ पे टैग ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ऊपर वाले के अंदर ही मैं कर रहा हूँ कंट्रोल वी एंड देन यहाँ पे 6 दे देंगे एंड देन कंट्रोल एस एंड अपने गूगल क्रोम वाले में जाएंगे एंड देन यहाँ पे 6 सेटिंग ऐड हो चुकी है, तो उसको देख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6 तस्वीरें यहाँ पे ऐड हो चुकी है जो एक बेहतरीन स्लाइडर बन चुका है। अब हम यहाँ पे शूज़ की ऐड करने वाले थे तो शूज़ की ऐड करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे 8वें नंबर पे शूज़ एक जिसकी फॉर्मेटिंग है JPG और 9वें नंबर पे भी एक है जिसकी है PNG। हमने 9, 8 से 10, 12 तक ये रखा हुआ, तो हम यहाँ पर अब इसकी फॉर्मेटिंग दे देंगे, यहाँ 8वें नंबर पे था इसकी फॉर्मेटिंग दी JPG और यहाँ पे था PNG फॉर्मेट वाला जिसके था नाम था जिसके नेम था 9 और यहाँ पर था 10 और इसकी JPG थी JPG और इसकी थी 11 और इसकी थी 12 और इसकी भी फॉर्मेट JPG कंट्रोल एस एंड अपने वापस गूगल वेब पेज में जाएंगे एंड देन पहले ये आ रहा था तो अब हम इसको रिफ्रेश कर देंगे एंड देन लुक एट दिस, यहाँ पे 1, 2 एंड देन 3 रिफ्रेश कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 हमने 5 तस्वीर ऐड करी, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह तैयार करना है, पहले TR देना है, पहले TH देना है, सबसे पहले TR का मतलब होता है टेबल रो, फिर उसके बाद आपने TH देना है टेबल हेडिंग, जो टेबल की हेडिंग होगी अब हेडिंग कौन सी वाली होनी चाहिए, हेडिंग 1 होनी चाहिए, तो हमने हेडिंग 1 भी स्पेसिफाई कर दी, इसको बता दी भाई आप हेडिंग 1 ले लो इसके अंदर से, तो नहीं तो ये हेडिंग 3 या 4 लेता अपने पास से, उससे स्पेसिफाई करता है, डिफ़ॉल्ट अपना सेव करा हुआ होता है तो वो डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है इसको, हमने डिफ़ॉल्ट की जगह हमने अपना कंस्ट्रोमाइज़ कर दिया इसको, हेडिंग 1 दे दी।
तो हमने अब यहाँ पे लिख दिया टी शर्ट, तो यहाँ पे दे दी हेडिंग वन का क्लोज एंड टी एच का भी क्लोज टैग, एंड इस वाले के टी आर को क्लोज करा ताकि ये सही वाले टी आर टेबल डेटा के टी आर के ऊपर आ जाए जिसके अंदर से एड्रेस एड्रेस के ऊपर लिखा हुआ है ये। और यहाँ पर हमने दे दिया फिर टी आर एक और टी डी दिया, फिर टी डी के अंदर हमने मर्क्यू ऐड करा ताकि एक बेहतरीन मर्क्यू स्क्रॉल करते हुए ले जाएगा। डायरेक्ट मर्क्यू भी ऐड करेंगे तो ये स्क्रॉलिंग करेगा, लेकिन अमाउंट कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे स्क्रॉलिंग अमाउंट देते हैं इसको। एंड माउस ले आया था ये स्टॉप हो जाए, और अगर माउस हटाए तो ये स्टार्ट हो जाए, इसलिए हमने ये टेक को भी यूज़ करते हैं। और फिर इसके अंदर मैंने सिक्स इमेज ऐड करी, फिर मर्क्यू दिया इसके अंदर, फिर मर्क्यू का टैग क्लोज भी किया, फिर टी डी का भी क्लोज किया। टेबल डेटा होता है टी डी, टी आर होता है टेबल रो। फिर मैंने इसी तरह बिल्कुल इसी को कॉपी करा, इसको कॉपी करने के बाद बिल्कुल नीचे मैंने एक और शूज़ के लिए मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। मैंने इसको पेस्ट इसलिए करा ताकि, क्योंकि ना मेरे को मालूम है कि कहाँ पे पेस्ट करना है कहाँ पे नहीं करना। तो अगर आप लोग को नहीं मालूम, क्योंकि आप लोग नए बिगिनर्स हैं जो पुना रहे हैं उनको मालूम है, उसको बस शॉर्टली एक डायलॉग चाहिए होता है जो उनको मिल जाता है तो वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बेहतरीन वीडियोस है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आल में करके भाई को याद करें। तो भाई यूँ मैंने यहाँ पर इसको क्लोज़ करा, फिर इसके बाद इसका भी बिल्कुल एकदम टिटू कॉपी बिल्कुल फेस टू फेस इसका भी कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर आके मैं इसको क्लोज़ करा टेबल को। तो अब हमने उस वाले सबसे पहले हमने देखा था कि हमने नीचे एक इमेज भी ऐड कर रखी थी, तो यहाँ पर देंगे टी डी, सिंपली टी डी दे देंगे। टी डी देने से पहले हम इसके अंदर टी आर देंगे ताकि टेबल रो अपनी एक रो क्रिएट कर ले 12 कॉलम्स की, ताकि हम उसके अंदर इजीली कर सकें। अगर हम टी आर नहीं देंगे तो ये ऊपर वाली टी आर के साथ ही आ जाएगा, जिसकी वजह से ये मिस्टेक्स करेगा, तो ये सारे सारे को उसको स्क्रॉलिंग को बिगाड़ सकता है, स्लाइडर्स को बिगाड़ सकता है, तो वो ना बिगड़े इसलिए हमने टी आर दिया। टी आर के बाद हमने टी डी देंगे, टी डी का टैग क्लोज करेंगे। अब इस टी डी के अंदर इमेज ऐड कर देंगे वो वाली, इस टी डी के अंदर इमेज आ जाएगी वो वाली, तो इमेज का टैग देंगे आई एम जी एन स्पेस एस आर सी को डबल प्रोटेक्शन, डबल प्रोटेक्शन के अंदर उसका नाम लिख देंगे क्योंकि मुझे उसका नाम मालूम है, मैंने वॉच रखा था। फिर उसकी फॉर्मेट टी डॉट जे पी जी, अगर फॉर्मेट गलत होगी तो हमें मालूम चल जाएगी क्योंकि वो शो नहीं करेगी तस्वीर, तो हम फॉर्मेट चेंज कर देंगे उसको यहीं कहीं आके डॉट जे पी जी। फिर इसकी हाइट एंड विड्थ दे देंगे, हाइट हाइट स्पेसिफाई कर देंगे हमने, इसकी हाइट देंगे 550 दे देते हैं इसकी हाइट 650, एंड देन विड्थ दे देते हैं इसकी कुछ वेट दे देंगे हम इसकी 1000, एंड देन क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस करेंगे एंड अपने वाले वेब पेज में आएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये पहले ऐसा था, रिफ्रेश करते के साथ ही यहाँ नीचे एक इमेज ऐड हो चुकी है जिसकी मैंने आपको दिखाया था सबसे पहले। ये इस तरह हमने स्लाइडर बिल्कुल एकदम उसकी तरह तैयार कर लिया। ऊपर हमारा आ गया ये टी शर्ट्स का, ये आ गया ऊपर हमारा टी शर्ट्स का, यहाँ पे सारी टी शर्ट्स आ गई, हमारे टी शर्ट के स्लाइडर हो गया, यहाँ पे शो शूज़ का आ गया, तो यहाँ पे सारे शूज़ का स्लाइडर्स हो गया। यहाँ पर हमने इमेज सेट कर दी जिसका नाम है वॉच दे दिया, घड़ी दे दी, यहाँ पे हमने वॉच को तैयार कर दिया। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड मी, तो आपने इस तरह तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद कंट्रोल एस करके सेव करके एंड देन प्रीव्यू को देख लेना अपना। तो मिलते हैं जब तक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम इसके अंदर और मजीद एडिटिंग करके इसको एकदम वीआईपी लुक देना है, क्रिएटिव लुक देना है ताकि ये सो ऑसम दिखे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करें, जब तक अपने भाई को याद दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।